फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार रजा मुराद रीवा में फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हमारी टीम ने उनसे बातचीत की। सुनिए अपने संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार रजा मुराद फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पहुंचे। यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर के लगभग 50 साल के सफर के कई उतार चढ़ाव पत्रकारों के साथ साझा किए। अतीत को याद करते हुए उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर के साथी कलाकार जोगिंदर सिंह को याद किया। उनका कहना था, मैं एक बार रीवा इसके पहले भी जोगिंदर सिंह की फिल्म बिंदिया और बंदूक की शूटिंग करने रीवा आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं लगभग 50 दिन के आसपास रुका था। आइए आपको सुनाते हैं उनके संस्मरण, उन्होंने क्या कुछ कहा पत्रकारों से बातचीत करते हुए। मैं सारे पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और ये यहाँ युवा कलाकार भी हैं रंगमंच के, उन सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं दूसरी बार रीवा आया हूँ और रीवा की कुछ ऐसी खुशगवार यादें लेकर गया था जो आज भी मेरे जहन में जिंदा हैं। मैं 4 नवंबर 1972 को रीवा आया था। सतना स्टेशन से हम लोग बाय रोड आए थे यहाँ पे और 5 नवंबर 1972 को बिंदिया और बंदूक का मुहूर्त हुआ था। इस जगह से कुछ ऐसा लगाव हो गया था, कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई थी। 49 दिन रहा था मैं यहाँ पे, मेरे पास दूसरी फिल्में थी नहीं और मुझे ये आदेश दिया गया था कि आप अपनी दाढ़ी बढ़ाएं, तो 50 दिन तक मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई। उस किरदार के लिए किरदार था डाकू करण सिंह का। तो ऐसी खुशगवार यादें मैं यहां से लेकर गया था, ऐसे यहां के अच्छे लोकेशंस। पहले दिन मेरी शूटिंग केवटी फॉल्स में हुई थी और वो इतनी खूबसूरत जगह है, वो इतने खूबसूरत झरने हैं वहां कि बस मैं देखता ही रह गया। सपनों में भी मैं उस केवटी फॉल्स को देखता था और मुझे याद है कि 7 नवंबर 1972 को जो मैंने पहला डायलॉग बोला था, 52 साल हो गए, याद करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कहीं भूल चूक हो जाए तो माफ कीजिएगा। रोती है जिस लड़की का नाम दुर्गा हो, उसे रोना नहीं चाहिए। कौन डालिए आंसू, दुर्गा मैया की तरह चिल्लाकर उठ और राक्षसों का नाश कर दे। जिन लोगों ने तुझे नंगा किया है तू उन्हें नंगा कर दे। जिस समाज ने चुपचाप तेरी आबरू लुटने का तमाशा देखा है, उस बुजदिल समाज के मुंह पर थूक दे। जब तक ये बिंदिया तेरे माथे पर रहेगी, तू अपने आप को निर्बल समझती आएगी। मिटा दे ये बिंदिया और थाम ले ये बंदूक। ये पहला डायलॉग था। ये पहला दिन था मेरा। जोगिंदर अरोड़ा साहब परिश्रम कर रहे थे, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। घर के अच्छे खुशहाल थे, यहां माइको बॉशी उनके पास एजेंसी थी, लेकिन कलाकार बनने के परिश्रम में मुंबई कई साल रहे और जो मकाम वो चाहते थे वो उन्हें यहां फिल्म इंडस्ट्री में हासिल नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि खुद मैं क्यों ना अपनी फिल्म बनाऊं। और कुछ फिल्मों में उन्होंने छोटे छोटे पार्ट निभाए थे,
एक गाना था उसमें पूरा पश्चिम में, वो मनोज कुमार जी रंगमंच पे गाते हैं, उस गाने में भी खाली वो एक भंगड़े का उन्होंने शॉट दिया था, दुल्हन चली तीन रंग की चोली। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना फिल्म बनाऊं। पहले इस फिल्म का नाम रखा था पत्थर की गुड़िया, और मेरे रोल के बारे में उन्होंने कबीर बेदी जी को भी सोचा था। तो हम फिल्म इंस्टीट्यूट के तीन कलाकार थे, किरण कुमार, मैं, आशा सचदेव, हम साथ ही थे वहां पे फिल्म इंस्टीट्यूट में। तो जोगिंदर साहब ने हिम्मत करके ये फिल्म बनाई और उसका उन्हें बहुत मीठा फल मिला। एक जो उनका कैरेक्टर था रंगा, हर बात पे वो कहता था रंगा खुश। और जब फिल्म रिलीज हुई और जो दर्शक बाहर आते थे तो सब कहते थे रंगा खुश, रंगा खुश। और फिल्म ने बहुत जबरदस्त बिजनेस किया, तो रंगा वाकई बहुत खुश हो गया और आर्थिक लाभ भी उनको बहुत हुआ उस फिल्म से, नाम भी मिला। और सबसे बड़ी बात क्या थी, राज खोसला जी ने एक फिल्म बनाई थी मेरा गांव मेरा देश, बहुत बड़ी कामयाब फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने बनाई कच्चे धागे, उसमें विनोद खन्ना, कबीर बेदी थे, मौसमी चटर्जी थी। यहां पे हम छोटे छोटे नए कलाकार थे, दोनों फिल्में एक साथ लगी, कच्चे धागे भी और बिंदिया और बंदूक भी। और एक और फिल्म लगी थी नफरत नाम की, तीन फिल्में लगी। तो कच्चे धागे की रिलीज, डायरेक्ट रिलीज के बावजूद जबरदस्त टक्कर दी बिंदिया और बंदूक ने, और कहीं कहीं बिंदिया और बंदूक के कलेक्शन कच्चे धागे से ज्यादा आए। तो पूरी इंडस्ट्री में एक सनसनी फैल गई थी इस फिल्म के बारे में कि छोटी फिल्म, नया डायरेक्टर, नए एक्टर, नया प्रोड्यूसर, सब नए। जो सबसे बड़ा नाम था उस फिल्म में वो लक्ष्मी छाया का था। मेरा गांव मेरा देश लगी थी तो पब्लिक बहुत उन्हें पसंद करती थी, तो फिल्म बहुत कामयाब साबित हुई। और उसके बाद जोगिंदर अरोरा ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, वो बदस्तूर फिल्में बनाते रहे। और मैंने उनकी कितनी फिल्मों में काम किया ये मुझे भी याद नहीं है। आखिर तक मैं उनके साथ काम करता रहा और उनके जो आखिरी दिन थे वो बड़े तकलीफ दे गुजरे। स्वास्थ्य उनका बहुत खराब हो गया था और बेहोशी में उन्होंने कहा कि मुझे रजा से मिलना है, बेहोशी में कहा। तो मेरे पास उनका ये संदेशा आया और मैं अस्पताल उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन वो होश में नहीं थे। तो उनकी पत्नी ने बताया कि आपको याद कर रहे थे और बेहोशी में भी कह रहे थे कि मुझे रजा से मिलना है। बस वो आखिरी बार था जो मैंने उन्हें जीवित देखा। फिर उनके गुजरने की खबर आई और हम गए उनके अंतिम संस्कार में गए। तो हिम्मती आदमी थे, मुंह फट थे, जो कहना होता था मुंह पे कह देते थे, बहुत ही खातिर दवादे करते थे, खूब खिलाते पिलाते थे हमेशा, कभी उसमें कोई कमी नहीं होती थी। तो गुस्सा भी उनमें बहुत था, तो गुस्सा आता था तो अपने आप को रोकते नहीं थे। बड़ी अच्छी उनकी जो डिक्शनरी थी, बड़ी मोटी मोटी गालियां थी उनमें
तो वो उनका इस्तेमाल करते थे। दिल का साफ आदमी था और कहता था खुद अपने मुंह से कि मैंने इंडस्ट्री वालों को बहुत कुछ दिया, बहुत मैंने उन्हें तोहफे दिए, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला नहीं। और फिर ये हुआ कि उनका जो प्रोडक्शन हाउस था अपोलो इंटरनेशनल, वो बदस्तूर फिल्में बनाता रहा। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई दो चट्टाने, वो भी बहुत अच्छी गई। फिर फिल्म बनी रंगा खुश। वो हमेशा एक बात कहते थे, जोगिंदर साहब ये कहते थे कि शोले जो है वो बिंदी और बंदूक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि फिल्म का जो क्लाइमेक्स था शोले का, उसमें धर्मेंद्र बने हुए हैं, गब्बर सिंह के कहने पे बसंती नाचती है, और नाच जैसे खत्म होता है तो अमिताभ बच्चन बंदूक लेके आ जाते हैं। बिंदी और बंदूक में हीरो किरण कुमार बंधा हुआ है, रंगा के इसरार पे लक्ष्मी छाया नाचती है, और गाना खत्म होने के बाद रजा मुराद बंदूक लेकर आ जाते हैं। वैसी ही सिचुएशन थी, वैसे ही कैरेक्टर थे। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता कि जो जोगिंदर साहब का क्लेम था वो कहां तक सही है। सिचुएशन एक जैसी थी, बिल्कुल एक जैसी थी। और जैसे ये जो तकिया कलाम था उनका, ये रंगा खुश, वही चीज रिपीट हुई मिस्टर इंडिया में, मोगैम्बो खुश हुआ। तो ये कुछ बातें काफी चर्चा का विषय रही और बहुत प्यार से रखा उन्होंने हमें यहां पे। वेंकट भवन में मैं रहा था, यहां 49 दिन रहा था वेंकट भवन। तो घर से खाना आता था, घर का खाना खिलाते थे, हर बात का बहुत ख्याल रखते थे। शायद ये बात आप लोगों के में ना हो कि इससे पहले एक फिल्म बनी थी चंदन नाम की, 1971। तो जोगिंदर जी ने ही शूटिंग करवाई थी उसकी, यहाँ पे रीवा में शूटिंग करवाई थी। चंदन में थे आप? नहीं, मैं नहीं था, मैं तब आया ही नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में, बस मेरा प्रवेश हुआ था। तो बड़ी अच्छी यादें हैं मेरी, वेंकट भवन, गुलाब क्लब और गिफ्टी का तो मैंने जिक्र किया, लहुआ कोठी, छुईया पहाड़ी और एक चूना भट्टी थी वहां हमने शूटिंग की थी, और एक सतना रोड पे एक ढाबा था बड़ा अच्छा, तो वहां हम लोग अक्सर खाना खाने के लिए जाते थे। एक बिल्कुल एक हम परिवार हो गए थे यहां, सब अपने घर बार से दूर थे सब। तो शाम को बैठक होती थी, हंसी मजाक होता था, नाच गाने का प्रोग्राम होता था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं वापस आ रहा था 49 दिन के बाद, तो मेरी आंखें नम थी, मेरी आंखों में आंसू थे, एक बिछड़ने का गम हुआ मुझे बहुत ज्यादा, इतने दिन हमने साथ बिताए और अब हम अपना काम करके जा रहे हैं। एक खन्ना टॉकीज हुआ करता था यहाँ पे, खन्ना होता था, पुष्पराज में बहुत फिल्में देखी हमने, और एक हाईवे होटल होता था, मिनरवा हॉस्पिटल,
लेकिन एक जमीन आसमान का फर्क आ गया है। मैं जो 52 साल के बाद आया हूं तो बहुत खुशी हुई मुझे, अच्छे अच्छे मार्केट बन गए हैं, रस्ते चौड़े हो गए हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं। तो कल जब मैं आया 52 साल के बाद तो बिल्कुल मुझे रीवा जो है वो रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई दिया, और आज मैं वेंकट भवन भी गया देखने के लिए, पुरानी यादें ताजा करने के लिए। और अब तो वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास आ गया है, पहले PWD के पास था, और वहां एक मुलाजिम थे शिवमूर्त नाम था उनका, शिवमूर्त। वो हमें रोज नाश्ता बना के देते थे, सुबह चाय देते थे। तो यही बहुत खुशगवार यादें हैं जो आज भी मेरे जहन में जिंदा है।